किचन। आप मुझे जानती हैं सुंदरी? आप जैसे महान असुर को भला कौन नहीं जानता। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आप यहाँ शुंभ निशुंभ के दूत बनकर क्यों आए हैं। आपके प्रश्न का अभिप्राय क्या है सुंदरी? यही कि आप स्वयं इतने बलशाली हैं कि शुंभ निशुंभ भी आपके दास बनकर रह सकते हैं। किंतु हे अलौकिक सुंदरी, मैं इस समय स्वर्ग विजेता शुंभ निशुंभ का दूत बनकर आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। मैंने तो दूत से कहा था कि मैं युद्ध चाहती हूँ और ये संदेश भी दिया था कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी के साथ विवाह करूँगी। फिर उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा है? सुंदरी, मैं तुझे बलपूर्वक उठाकर ले जाने के लिए आया हूँ। तुझ पर विजय पाने के लिए युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है। चाहता है तो अपने स्वामियों शुंभ निशुंभ को युद्ध के लिए भेज। अब अपने महालय में जाकर विश्राम करो। धूम्रलोचन के अंत के साथ असुरों की ओर से नया युद्ध प्रारंभ होगा। आवश्यकता पड़ने पर मैं तुरंत तुम्हारी रक्षा के लिए आ पहुंचूंगी। Oh, my God.
क्या बात है नंदी? माता पार्वती के अचानक अदृश्य होने से हम सभी लोग चिंतित हैं भोलेनाथ। कृपा करके हमें बताएं कि माता पार्वती कहाँ है। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय। माता पार्वती की जय। देवी, तुमने कालिका का रूप धारण करके कौशिकी की सहायता की है, ये देखकर हम प्रसन्न हुए। आपकी प्रसन्नता मेरे लिए वरदान के समान है स्वामी। अब मैं इस कर्तव्य का निसंकोच होकर पालन करूंगी। कालिका, ये कालिका का कौन सा रूप है माता? ये रहस्य हमें बताएं माता। हाँ माता, हम कुछ समझ नहीं रहे हैं। धैर्य धारण करो नंदी, धैर्य धारण करो। इस रहस्य को जानने के लिए तुम सभी को प्रतीक्षा करनी होगी। समय आने पर संपूर्ण रहस्य तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। रक्षा करें देवराज, रक्षा करें, रक्षा करें देवराज, रक्षा करें। हमारे सैनिक मारे गए दैत्यराज। चिल्लाते ही रहोगे या कुछ बताओगे भी? दैत्यराज, कालिका के प्रहार से हमारे सेनापति धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गए और हमारी असुर सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। दैत्यराज, हमारे बहुत से सैनिक मारे गए और हम अपने प्राण बचाकर बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुंचे हैं। दैत्यराज, कौन है ये कालिका? कहाँ से आई ये कालिका जिसने हमारे सेनापति धूम्रलोचन को भस्म कर दिया? कौन हो सकती है कालिका? अवश्य ही ये सुंदरी कौशिकी की रक्षिका है। सबसे पहले हमें रक्षिका कालिका को ही समाप्त करना होगा। यही एक उपाय है। निशुम, वो सुंदरी असीम शक्ति की स्वामिनी प्रतीत होती है। हमें अत्यंत सावधानी से युद्ध में उस पर विजय प्राप्त कर उसे यहां स्वर्ग लोक में लाना होगा। दैत्यराज, इस समय आपको युद्ध भूमि में नहीं जाना चाहिए। धूम्रलोचन अपनी असावधानियों के कारण ही युद्ध में मारा गया। इस समय तो आपको किसी चतुर सचेत सावधान असुर वीर को भेजें ताकि वो अपनी चतुराई से कौशिकी को समझा कर यहाँ ला सके। दैत्यराज, उस सुंदरी से हम एक बार मिल चुके हैं। मिलने से हम उसके स्वभाव से परिचित भी हो चुके हैं। इसलिए एक बार फिर हमें उसके पास जाने का अवसर दें। दैत्यराज, हमें विश्वास है कि हम उसे यहाँ लाने में अवश्य सफल होंगे। निशुम, मेरा विचार है हमें इन दोनों को ही भेजना चाहिए। हाँ भैया शुम, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। चंड, मुंड, तुम दोनों असुर सेना के साथ उस ओर प्रस्थान करो। किंतु सावधान, विजयी होकर लौटना। ऐसा ही होगा दैत्यराज। सर्वाधिपति महाबली दैत्यराज शुम निशुम की जय। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। शुंभ निशुंभ ने पहले धूम्रलोचन को भेजा देवी कौशिकी के पास और उसे मरवा दिया, और अब मरने की बारी है चंड मुंड की। क्या कारण है कि शुंभ निशुंभ अपनी असुर सेना को भेज रहे हैं, युद्ध करने स्वयं नहीं आते? वो देवी कौशिकी की शक्ति से परिचित होकर भयभीत हैं कि कहीं उनके हाथों वो मारे न जाएं। नारायण नारायण। देवराज एवं देवगण, आप सब यही विचार कर रहे हैं कि शुंभ निशुंभ स्वयं युद्ध करने क्यों नहीं जाते? कहीं देवी कौशिकी के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने के भय से तो नहीं जाते? यही विचार मेरे अथवा अन्य किसी के भी मन में आ सकता है। देवराज, कैसा विचार? देवर्षि, यही कि आप स्वयं इन दुष्ट असुरों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके इन्हें समाप्त क्यों नहीं करते? देवर्षि, इस बार स्वर्ग से निकलते ही हमारी सारी शक्तियां अपना चमत्कार खो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति ने भी हमें परामर्श दिया है कि हम अपनी बची कुची दिव्य शक्ति का प्रयोग करके उसे व्यर्थ न करें, कारण कि इन दुष्ट असुरों का संहार तो देवी कौशिकी के हाथों ही होगा। नारायण नारायण।
देवी कौशिकी के विषय में देवगुरु ने जो कुछ कहा वो अक्षरक्षय सत्य है। परमपिता ब्रह्मा जी ने स्वयं मुझसे यही कहा था कि शुम्भ निशुम्भ को दिए गए वरदान में ही इन असुरों के विनाश के बीच छुपे हुए हैं। इसलिए देवराज आप निश्चिंत रहें, और हाँ, इन दुष्ट असुरों की दृष्टि में आकर अपने लिए संकट को निमंत्रण ना दें। दैत्य सेनापति चंड मुंडकी जय। दैत्य सेनापति चंड मुंडकी जय। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुम्भ निशुम्भ की जय। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुम्भ निशुम्भ की जय। दैत्य सेनापति चंड मुंड की जय। अरे नारद, तुम ही हो। ये तो सारा जगत जानता है कि मैं हूँ। पूरी बात सुनो नारद, चंड कह रहा है कि तुम ही हो जो देवताओं को हमारे स्वामियों के विरुद्ध भड़काते हो। तुम देवताओं के मित्र और असुरों के शत्रु हो। होता है, कोई किसी का मित्र तो कोई किसी का शत्रु होता है। जैसे आप बुद्धि के शत्रु और दुष्टता के मित्र होता है। क्या कहा? मैंने कहा, हे वीर असुर, क्या जगत में ऐसा भी कोई निर्बुद्धि प्राणी है जो देवताओं का शत्रु और असुरों का मित्र होना चाहेगा? और यदि होगा तो सारा जगत ही उसका शत्रु हो जाएगा। नारायण नारायण। ए नारद, तुम सदा ही बुद्धि में ना आने वाली बातें क्यों करते हो? किंतु किसी बुद्धिमान ने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। उनकी बुद्धि में मेरी बातें अवश्य आ जाती होगी, है ना? बहुत बोलते हो नारद। मैं केवल बोलता ही नहीं, खोलता भी हूँ। क्या खोलते हो? रहस्य। और इस समय यह रहस्य खोल रहा हूँ कि तुम दोनों का सर्वनाश समीप है। ए, नारद! चित्कार से सत्य को नहीं दबाया जा सकता चंड। मैं तुम दोनों का सर्वनाश अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। यदि माता कालिका के हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते तो जाओ, तुरंत जाकर पाताल लोक में छिप जाओ। क्या कहा? नारायण नारायण। अरे दुष्टों, निर्बुद्धियों, तुम्हारे हित की बात करता हूँ तो भी तुम्हें क्रोध आता है। नारायण नारायण। मैंने तो केवल तुम्हें सावधान किया है कि जिस ओर तुम जा रहे हो उस ओर साक्षात जगत माता, जगत जननी, जगदम्बे आदि शक्ति विराजित हैं। वे सत्पुरुषों की रक्षा और असुरों का विनाश करती हैं। उनकी पुत्री देवी कौशिकी भी इन्हीं गुणों से संपन्न है। वहां तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मां कालिका के सम्मुख तुम अधिक समय नहीं टिक पाओगे दुष्टों। अब मेरी बात बुद्धिमानों के समझ में आती है ना? तुम कैसे समझ पाओगे? नारायण नारायण। और विधि के विधान के आगे तुम क्या करोगे और मैं भी क्या करूं? अब आगे बढ़ो और परिणाम भुगतो। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुम्भ निशुम्भ की जय। स्वर्गाधिपति महाबली कौशिकी, इस बार उन दुष्टों ने चंड मुंड को भेजा है। मैं चामुंडा का रूप धारण करके उनका वध करूंगी। तुम निश्चिंत रहो। माता, मैं तो तुम्हारी लीला के अधीन हूँ। नारायण नारायण। देवी के दोनों पावन रूपों को नारद का कोटि कोटि प्रणाम। धन्य हुआ मैं एक ही रूप को
दो स्थिति में देखकर मैं धन्य हुआ। नारद, तुम यहाँ किसकी आज्ञा से आए हो? नारायण नारायण। माता, बालक को अपनी माता से मिलने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता होती ही नहीं। वाह पटु हो, तुम्हारे सम्मुख प्रश्न जन्म ले, उससे पूर्व ही उत्तर तुम्हारी वाणी में जन्म ले लेता है। अब प्रश्न ये है कि आज्ञा की आवश्यकता नहीं, किंतु आए क्यों हो? दर्शन, मात्र दर्शन। मन में एक प्रबल इच्छा थी कि आप दोनों के दर्शन एक साथ करूं, और यही कामना मुझे यहाँ तक ले आई, और वो पूर्ण भी हो गई, और मैं धन्य भी हो गया। देव ऋषि, आपकी ये कामना तो युद्ध भूमि में भी पूर्ण हो सकती थी। युद्ध भूमि? नारायण नारायण। देवी कौशिकी, जो भी कामना युद्ध भूमि में पूर्ण होती है वो अत्यंत भयावह होती है, और उनके पूर्ण होने के पश्चात जीवन और जीवन की शांति दोनों नारायण नारायण समाप्त हो जाते हैं। मैं अपनी कामनाएं युद्ध भूमि में पूर्ण होने के पक्ष में कदापि नहीं। असुर सेनापति महाबली चंड मुंड की जय। माता, आप इन असुरों को यमलोक पहुंचाएं, मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दें। चंड मुंड, तुम्हारा प्रवेश कौशिकी महालय में अब कदापि नहीं होगा। तुम दोनों यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। नहीं, हम बलपूर्वक सुंदरी कौशिकी को स्वर्ग लोक ले जाकर ही रहेंगे। स्वर्ग विजेता शुंभ निशुंभ की यही आज्ञा है। चंड मुंड, तुम दोनों को समाप्त करने के लिए ही मैंने चामुंडा का रूप धारण किया है। हम पाताल के महावीर योद्धा हैं। यज्ञ में बलि देने के लिए बांध दिया है। माता, आपने चामुंडा रूप धारण कर लिया है, अब आप ही अपने हाथों से इनका अंत करें। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय। चंड मुंड भी? दैत्यराज, चंड मुंड भी उस सुंदरी के हाथों मारे गए।
अब तो आपको उसे प्राप्त करने का विचार त्याग देना चाहिए, अन्यथा असुर जाति का सर्वनाश हुए बिना नहीं रहेगा। असुर जाति के सर्वनाश की भविष्यवाणी करने वाले असुर द्रोही, तेरा ही परामर्श मानकर हम धूम्रलोचन तथा चंडमुंड जैसे असुर वीरों से हाथ धो बैठे हैं। असुर जाति के सर्वनाश से पहले तो हमारे हाथों तेरा सर्वनाश होगा। दैत्यराज, अब तो ये निश्चित ही हो गया है कि ब्रह्मदेव का वरदान ही तुम दोनों के सर्वनाश का कारण होगा। अब तुम्हें उस देवी से कोई नहीं बचा सकता। दैत्यराज, 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 अनर्थ हो गया महाबली दैत्यराज। जो नहीं होना था वही हो गया दैत्यराज। जिस विषय के लिए सोचा भी नहीं था दैत्यराज, वही हो गया, वही हो गया। बंद करो ये प्रलाप और जो हुआ है वो कहो। चंडमुंड दोनों मारे गए दैत्यराज, चामुंडा के हाथों मारे गए। पहले कालिका और अब चामुंडा। कौन है वो कालिका और ये चामुंडा? रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। लगता है सुंदरी कौशिकी की रक्षा के लिए कालिका ही चामुंडा बनकर प्रकट हुई है। वो कुछ भी बने, कुछ भी बनकर प्रकट हो, उसे समाप्त तो करना ही होगा। इसके लिए आपको अपने चमत्कारी साथी रक्त बीज का आह्वान करना होगा। हाँ, रक्त बीज हमारे आह्वान पर तुरंत पाताल लोक से बाहर निकलकर प्रकट होगा और वो कालिका व चामुंडा को समाप्त करने में हमारी सहायता करेगा। कालिका के समाप्त होते ही सुंदरी कौशिकी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये तो तुमने बुद्धि और ज्ञान की बात कह दी निशुम। चलो हम दोनों मिलकर उसे पुकारते हैं। असुर शिरोमणि, चमत्कारी रक्त बीज, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। रक्त बीज, रक्त बीज। स्वर्गाधिपति असुर सम्राट दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। रक्त बीज, तुम्हारे आगमन से हम प्रसन्न हुए। दैत्यराज, मेरा आवाहन क्यों किया? रक्त बीज, सुंदरी कौशिकी को हमने स्वर्ग की साम्राज्ञी बनाने का प्रण किया है और उस प्रण की पूर्णता में कालिका चामुंडा बाधा बनी हुई हैं। रक्त बीज, तुम तुरंत जाकर चामुंडा और कालिका को समाप्त करके सुंदरी कौशिकी को यहां ले आओ। इसके लिए हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। असुर सम्राट शुंभ निशुंभ, आपकी आज्ञा मानकर आपका प्रण पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगा। धूम्र लोचन और चंडमुंड के पश्चात शुंभ निशुंभ ने अब रक्त बीज को भेजा है, अर्थात शुंभ निशुंभ अब भी स्वयं देवी कौशिकी के पास आने का साहस नहीं कर रहे। किंतु इस राक्षस की भयंकरता को देखकर लगता है कि ये महाशक्तिशाली राक्षस कौशिकी महल में कुछ ना कुछ उत्पात अवश्य मचाएगा। Thank you.
ये कौशिकी का आह्वान है मेरे लिए। हे सुंदरी, मैं यहां तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें आदर पूर्वक स्वर्ग लोक ले जाने के लिए आया हूं। महाबली शुंभ निशुंभ त्रिलोक विजेता है, तुम उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान होकर त्रिलोक साम्राज्ञी बन जाओगी और जगत के सर्वोत्तम सुखों को भोगोगी। आओ मेरे साथ, आओ स्वर्ग लोक चलो मेरे साथ। शक्तिशाली असुर रक्त बीज मारा गया। भैया शुंग, अब तो स्वयं मुझे ही युद्ध भूमि में जाना होगा। तुम जाओगे? हाँ, मेरी वरदानी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं कालिका का संहार करके सुंदरी कौशिकी को लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। असुर सेना तैयार हो, आगे बढ़ो।
महाशक्तिशाली दैत्यराज निशुंभ की जय। दैत्यराज निशुंभ की जय। दैत्यराज निशुंभ की जय। दैत्यराज निशुंभ की भैया निशुंभ, निशुंभ हम तुम्हें उस कालिका के साथ युद्ध करने के लिए अकेले नहीं जाने देंगे। उस सुंदरी कौशिकी के साथ भयानक और चमत्कारी कालिका चामुंडा है। हम अपने अनेक असुर वीरों को उसके प्रहारों के कारण खो चुके हैं, इसलिए हम तुम्हें युद्ध में अकेले नहीं जाने देंगे। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। ओम नमः शिवाय। क्या कौशिकी की रक्षा का कर्तव्य पूर्ण हुआ देवी? कालिका, चामुंडा और चंडिका का रूप धारण करने के पश्चात इस सौम्य रूप में परिवर्तित होकर तुम और भी दिव्य दिखाई दे रही हो। महेश्वर, हिंसा, हत्या और आतंक मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। मैं सभी प्राणियों को अपनी संतान के रूप में सुखी देखना चाहती हूँ, परंतु दुष्ट आसुरी शक्तियाँ मुझे विकट और भयानक रूप लेने पर विवश कर देती हैं। मैं चाहती हूँ अब पुनः मुझे ये कठोर कर्तव्य ना करना पड़े। इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। अवश्य देवी, जगत कल्याण के शुभ कार्य में हम सदा तुम्हारी सहायता करेंगे। स्वर्ग विजेता शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। किसने रोका हमारा विमान? हे शुंभ निशुंभ, तुम्हारे कल्याण के लिए ही ये विमान रोका है। ये शिव शंकर हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिनकी आराधना करते हैं। भगवान शिव शंकर की जय हो। शुंभ निशुंभ, कौशिकी पर विजय पाने का तुम्हारा अभियान तुम्हें सर्वनाश की ओर ले जाएगा, इसलिए तुम्हारा हित इसी में है कि तुम स्वर्ग पुनः देवताओं को सौंप कर पाताल लोक लौट जाओ। नहीं, कदापि नहीं। कौशिकी के अभिमान को भंग करके हम उसे स्वर्ग ले जाएंगे और वो स्वर्ग की साम्राज्य बनेगी। यह सर्वथा संभव है शुंभ निशुंभ। गौरी पुत्री कौशिकी शक्ति का अवतार है और शक्ति असुरों का केवल विनाश ही करती है, उनकी इच्छाओं का अनुसरण नहीं करती। अब भी समय है, स्थिति को समझकर सावधान हो जाओ और अपनी सुरक्षा के लिए पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। भैया शुंभ, शिव ने कहा कि वो दैत्यों के शुभ चिंतक हैं, परंतु मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और कौशिकी को स्वर्ग साम्राज्ञी बनाने का अभियान पूर्ण करना ही चाहिए। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। कैसी हो कौशिकी? हाँ,
आप कितने कृपालु हैं जगत पिता। मैं अपनी उत्पत्ति के समय से ही आपके दर्शन के लिए उत्सुक हूँ। आपने स्वयं प्रकट होकर मुझ पर अपार कृपा की है। कौशिकी, हमें उद्देश्य वश प्रकट होना पड़ा है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने प्रकट होने का उद्देश्य सार्थक करना है। यही कहने हम आए हैं। जगत नियंता ब्रह्मा जी ने जो वरदान अभिमानी असुरों शुंभ निशुंभ को दिया था, उसकी पूर्णाहुति तुम्हारे हाथों उनका वध करके पूर्ण होगी। मैं इसके लिए तत्पर हूँ देवेश्वर। तुम्हारी माता देवी पार्वती ने तुम्हारी रक्षा एवं सहायता के लिए कालिका, चामुंडा और चंडिका का रूप धारण करके शुंभ निशुंभ के अनेक चमत्कारी सहायक असुरों का संहार किया है। किंतु शुंभ निशुंभ का संहार तुम्हारे ही हाथों होगा। असुर तुम्हारे द्वार तक आ पहुंचे हैं। अब तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। हे स्वप्न सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य के सम्मोहन में हम तो ये भी भूल गए कि हम यहाँ युद्ध करने आए हैं। इससे पूर्व विधाता ने तुम जैसी सौंदर्य पूर्ण सृष्टि तो की ही नहीं होगी। अब भविष्य में भी क्या करेगा? सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य तो तुम्हारी रचना में ही समाप्त हो गया। तुम्हारी रचना करने के पश्चात सौंदर्य के नाम पर विधाता के पास अब शेष बचा ही क्या होगा? तुम्हारा एक एक अंग अर्थात अंग प्रत्यंग विधाता ने यत्न और परिश्रम से रचा है। तुम्हें बनाकर यदि विधाता अपनी रचना पर गर्व भी करे तो उसका गर्व कौन खंडित कर सकता है? तुम यहाँ मेरे रूप का वर्णन करने आए हो अथवा मुझे युद्ध में पराजित करने? पहले तुम्हारे रूप सौंदर्य से हुई पराजय से तो उभर ले, फिर युद्ध की जय पराजय पर विचार करेंगे। ऐसी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी से युद्ध करना कौन चाहेगा? तुम्हारे भीतर दो विरोधी गुण एक साथ कैसे समा गए सुंदरी? सौंदर्य और युद्ध की तत्परता। तुम जैसी कोमलांगी सुमधुरा लावण्यमय युद्ध करे? ना 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 ना। युद्ध नहीं करोगे तो मुझे प्राप्त कैसे करोगे? सुंदरी, हमने तुम्हारे विषय में अब तक जितना सुना वो बहुत ही कम था। सुनाने वालों के पास सुनाने की गुण शैली, वाणी और भाषा थी ही नहीं। सुंदरी, तुम जैसी परम सुंदरी से युद्ध करना अपने पौरुष का अपमान करना होगा। तुम्हें तो बिना युद्ध किए स्वयं को हमें समर्पित कर देना चाहिए। हमारा सारा बल वैभव तुम्हारे चरणों में समर्पित है सुंदरी, फिर युद्ध की क्या आवश्यकता है? और मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? तुम्हारे सेवकों ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझ पर
विजय प्राप्त कर लेगा। प्रतिज्ञा, तुम्हारी प्रतिज्ञा सुंदरी। प्रतिज्ञा पुरुष से पूर्ण पुरुष ही क्या करते हैं, तुम जैसी कोमलांगी सुंदरी को प्रतिज्ञा करना शोभा नहीं देता। कोमलांगी प्रतिज्ञा करे तो उसकी कोमलता नष्ट हो जाती है। दुष्टो, नष्ट तो तुम्हें होना है, मुझसे युद्ध करो अन्यथा मैं तुम्हें समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं। भैया शुम, अब तो हमें इस अम्मानिनी को अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा। मैं इसी समय इसे युद्ध में पराजित करके आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। ऐसी भूल मत करना निशुम, अन्यथा ये सुंदरी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जो इसे पराजित करेगा ये उसी की होगी। किंतु तुमने रक्त बीज का आह्वान करने से पूर्व मुझसे कहा था कि कालिका के समाप्त होते ही कौशिकी मेरी हो जाएगी, क्यों याद आया? हाँ भैया शुम, हाँ। इसलिए इसे पराजित करके अपना बनाने के लिए मुझे ही इससे युद्ध करना होगा। बिना अब लौट जाना संभव कैसे होगा? अपनी माता के शक्ति रूप को भी सार्थक किया है।
माता पिता का आशीर्वाद और कृपा संतान के साथ हो तो उसका अहित कौन कर सकता है। धन्य है महादेवी कौशिकी, आप धन्य है। आपके कारण सारे देवगण चिंता मुक्त हो गए। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। मेरा उद्देश्य और कर्तव्य पूर्ण हुआ। अब मैं शक्ति स्वरूपिणी माता के अंगों से एकाकार हो जाऊंगी। तथास्तु। भगवान भोलेनाथ की जय। शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं आप? कहाँ है माता पार्वती? आप कहाँ हैं? नंदी ब्रिंगी शिवगण कहाँ चले गए सबके सब? ओम नमः शिवाय। प्रणाम के उत्तर में मैं केवल इतना कह सकता हूँ कल्याण हो, किंतु भगवान भोलेनाथ के लिए लगाई गई पुकार के उत्तर में तुम क्या कहोगे? देव ऋषि, माता पार्वती ने गगन विहार तथा मुक्ति नगरी काशी जाने की इच्छा प्रकट की थी, इसीलिए भगवान भोलेनाथ उनको लेकर। बस नंदी बस, मैं सब समझ गया। कभी कभी माता पार्वती का मन भी कैलाश के इस वातावरण से उचट जाता है, इसलिए वे भ्रमण का कार्यक्रम बना लेती है। आप तो हमें केवल ये बताएं नंदी महाराज कि उन्हें गए कितना समय हुआ है। समय तो बहुत अधिक हुआ देव ऋषि, भगवान भोलेनाथ को जाकर लौटने में इतना विलम्ब कभी नहीं हुआ। अर्थात वे अब काशी से लौट ही रहे होंगे। फिर तो मैं दोनों के दर्शन आकाश मार्ग से जाते हुए आकाश में ही कर लूंगा। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। अरे ये तो नारद है, बहुत दिनों बाद मिला। ओह बाल सखा पर्वत, देवर्षि नारद। पर्वत कहाँ थे तुम इतने समय तक और इधर किधर जा रहे हो? जय जय ब्रह्मदेव। तुम कहो तुम कहाँ थे अब तक? तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए, बरसों पश्चात आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं। आहा कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं। जय जय ब्रह्मदेव। सखा पर्वत, मैं तो आकाश पाताल पृथ्वी इन तीनों मार्गों से सदा भ्रमण करता रहता हूँ, किंतु तुमसे कभी भेंट नहीं हुई, रहते कहाँ हो तुम? नारद, हम दोनों देवगुरु बृहस्पति के आश्रम में साथ साथ पढ़े और बड़े हुए हैं, इस नाते हम दोनों बाल सखा सहपाठी व मित्र हैं। हमारा एक और संबंध भी है, तुम परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो और मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री ऋषिका का पुत्र हूं, इस नाते तुम मेरे मामा हुए और मैं तुम्हारा भांजा। दो दो संबंध होने के बाद भी दीर्घ काल तक हमारी भेंट नहीं हुई, क्या ये विडंबना नहीं? नहीं पर्वत, दुखी होने का कोई कारण नहीं। हम दोनों की भेंट ना होने पर भी हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना और प्रेम है। तुम क्या समझते हो, जो मामा भांजा चाचा भतीजा भाई भाई प्रतिदिन मिलते रहते हैं,
भेंट करते रहते हैं उन लोगों में क्या अधिक प्रेम सद्भावना होती है? नहीं पर्वत, ऐसा नहीं है, किंतु मुझे तुम्हें देखकर आश्चर्य अवश्य हुआ है। आश्चर्य का कारण? नारायण नारायण, मुझसे परिचित जितने भी देव दानव और मानव हैं, वो तुम्हें देखकर संभ्रमित अवश्य हो जाएंगे। तुम्हारा ये नारद रूप देखकर वे तुम्हें नारद ही समझ बैठेंगे। सत्य तो यही है, मैंने बाल्यकाल से ही तुम्हें अपना आदर्श माना है, तुम्हारे ही रंग रूप व चेष्टाओं का अनुसरण किया है। तुम नारायण के भक्त हो और मैं नाना ब्रह्मदेव का। तुम हर समय नारायण का जाप करते हो और मैं ब्रह्मदेव का। जय जय ब्रह्मदेव। बरसों तक जाप और तपस्या करने के पश्चात भी मुझे आज तक कोई वरदान प्राप्त नहीं हो सका। लंबे समय तक ब्रह्मलोक और विष्णुलोक की खोज में भटकता रहा, परंतु उनका पता भी ना पा सका। मित्र पर्वत, उद्देश्य प्राप्ति के लिए सच्ची भक्ति भावना का होना आवश्यक होता है। अर्थात मेरी भक्ति भावना सच्ची नहीं है? होती तो तुम सफल अवश्य हो जाते। तुमने नारद के बाहरी रूप रंग को तो धारण कर लिया, वो भी अपने तन पर, किंतु तुम वो नहीं धारण कर पाए अपने मन में जो नारद क्षण क्षण पल पल धारण किए घूमता रहता है, फिरता रहता है। वो क्या है जो मन में धारण करना होता है? निष्ठा, भक्ति, परमार्थ, लोक कल्याण की भावना, पर पीड़ा, क्या ये सब तुम्हारे मन में है? तुम्हारा मौन इस सत्य का प्रमाण है पर्वत, कि तुम आंतरिक सुचिता के आधार पर नहीं, बाहरी आडंबर के आधार पर उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हो। प्राणी दूसरों का रूप धारण करके उसके अनुरूप तो नहीं हो सकता? तो अब तुम ही बताओ कि मुझे तुम्हारे जैसी सिद्धियां कैसे प्राप्त हो सकती हैं? मैं चाहता हूं कि मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शनों की शक्ति प्राप्त हो और तीनों लोकों में गमन करने की सुविधा भी प्राप्त हो। मित्र पर्वत, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि इसके लिए मन में श्रद्धा निष्ठा भक्ति जागृत करनी होगी, मन में दर्शन की इच्छा जगानी होगी। मैं समझ गया यह सब तुम्हारे लिए संभव ही नहीं, फिर भी तुम मेरे बाल सखा और परम मित्र तो हो ही। भांजा भी हूँ। हाँ हाँ, मानता हूँ, और इसीलिए ब्रह्मलोक जाकर परमपिता ब्रह्मा जी से मैं तुम्हारी प्रार्थना करूंगा और उनसे कहूंगा कि अपने नाती मेरे भांजे अपने परम भक्त पर्वत पर कृपा करें, उसे एक बार दर्शन देकर वरदान दें और उसका जीवन सफल करें। नारायण नारायण। तुम तो मुझे पाकर धन्य नहीं हुए, पर मैं तो तुम्हें पाकर आज धन्य हो गया हूँ। तुम्हारी प्रार्थना का ब्रह्मदेव क्या उत्तर देंगे तुम शीघ्र ही मुझे बताना, मैं अत्यंत व्यग्रता और व्याकुलता से तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। नारायण नारायण, कहाँ करोगे मेरी प्रतीक्षा, कहाँ होगी भेंट तुमसे, कहाँ छिपते रहते हो? तुम्हारा निवास स्थान भी तो ज्ञात नहीं, अपना निवास स्थान तो बताओ मुझे। मैं मंदाकिनी नदी के तट पर एक पर्वत के नीचे रहता हूँ, वही मेरा छोटा सा आश्रम है। आश्रम में अकेले ही रहते हो या सहपरिवार? नहीं नहीं नहीं, जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती अकेला ब्रह्मचारी ही रहूंगा। तो अब ये निश्चित रहा कि शीघ्र ही पुनः हमारी भेंट होगी। हाँ मित्र, तुम्हारे हित में हमारी भेंट शीघ्र ही होगी। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। देवी तुरंत अदृश्य हो जाओ, इस समय नारद से मिलना उचित नहीं है।
भोलेनाथ, माता पार्वती कहाँ चले गए आप? दर्शन देकर भी अदृश्य हो गए। नारायण प्रभु, ये कैसी आंख मिचोली है मेरे साथ? अपराध क्या है मेरा? भूल क्या हो गई मुझसे? प्रभु कहें आप कहाँ हैं? हे भोलेनाथ, आप चाहे जितना मेरे साथ आंख मिचोली और विनोद कर लें, परंतु मैं आज आपके दर्शन करके ही रहूंगा। नारायण नारायण। स्वामी, आप अपने परम भक्त नारद के साथ ये विनोद क्यों कर रहे हैं? देवी, हम सदा ही नारद को सरलता से मिल जाते हैं और वे अपने प्रश्नों का समाधान पाकर तुरंत चले भी जाते हैं, किंतु इस बार हम उनसे तपस्या करवाना चाहते हैं। माता, क्या हो रहा है ये? भगवान भोलेनाथ मेरे प्रति इससे पूर्व इतने निष्ठुर कभी नहीं हुए। माता, आप कृपया मुझे बताएं कि मुझसे कोई अपराध हो गया है। भगवान भोलेनाथ मुझसे रुष्ट क्यों हैं? नहीं नारद, प्रभु तुमसे रुष्ट नहीं हैं। रुष्ट नहीं हैं? तो फिर वे मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? दर्शन देने से पूर्व वे तुमसे तपस्या करवाना चाहते हैं, किंतु पहले तुम ये बताओ कि उनके दर्शन की इच्छा किस प्रश्न के समाधान के लिए है? माता, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि भगवान भोलेनाथ मुझे दर्शन कब देंगे? अब आप मेरे इस प्रश्न का समाधान तो कर नहीं सकेंगी। आपने तो केवल इतना बता दिया कि भगवान भोलेनाथ मुझसे तपस्या करवाना चाहते हैं। अब भगवान भोलेनाथ मुझसे तपस्या क्यों करवाना चाहते हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं। अब जबकि आपके श्रीमुख से ये सत्य प्रकट हो ही चुका है कि वे मुझसे तपस्या करवाना चाहते हैं, सो मैं तपस्या करूंगा। माता, मैं तपस्या अवश्य करूंगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की इच्छा के सम्मुख हम सब विवश हैं, और भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं अब तपस्या करूंगा, अवश्य करूंगा। और तपस्या करने की अब तो मैंने ठान ही ली है। अब आप मुझे आज्ञा दें। कौन सा स्थान उपयुक्त होगा नारद? नारायण नारायण। दधीची ऋषि का यह आश्रम उपयुक्त और अनुकूल स्थान है तपस्या करने के लिए। दधीची दाम्पत्य के साथ बैठकर तपस्या करने से मुझे भी उनकी तपस्या का लाभ होगा। चलो नारद, दधीची आश्रम चले। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या हमारी अनुपस्थिति में नारद यहाँ आए थे? उन्हें तो आना ही था। वे आए और मैंने उनसे आपकी इच्छा और आदेश से अवगत भी करा दिया है। मैंने स्पष्ट कर दिया कि तपस्या किए बिना दर्शन संभव नहीं है। फिर वो तपस्या करने का निश्चय करके लौट गए।
नारद कहाँ है? नारद बहुत ही चतुर और दूरदर्शी है देवी। नारद तो चतुर है, किंतु इस समय नारद ने क्या चतुरता की है? वे उसी स्थान पर तपस्या करने बैठ गए हैं, जहाँ हम जैसा पुत्र पाने के लिए महर्षि दधीचि और उनकी धर्मपत्नी सुवर्चा वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। अब तो हमें उन्हें दर्शन देने ही होंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी स्वामी। अवश्य।